सो वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द टेक्निकल ट्रेडर। तो आज हम देखेंगे बैंक निफ्टी ट्यूसडे को कैसे परफॉर्म कर सकता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ए वेरी इंडिपेंडेंस डे टू यू ऑल। कल हमारा भारत का 75th ऑफ इंडिपेंडेंस डे है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन एंड माई बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू। सो आज हम देखेंगे कि बैंक निफ्टी कल, क्योंकि हमारा इंडिपेंडेंस डे के लिए हमारा मार्केट बंद रहेगा, तो ट्यूसडे को कैसा बिहेव कर सकते हैं। तो ये है आपका बैंक निफ्टी का, जैसे देख सकते हैं ये है हमारा बैंक निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम। ठीक है, तो बैंक निफ्टी अभी इधर में है, इधर में आपका ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ से आप देखेंगे बैंक निफ्टी एक वन वे मूव जैसा दे रहा है। यहाँ से हम अगर प्राइस रेंज देखेंगे तो फ्रॉम द बॉटम ऑफ 32,000 बैंक निफ्टी हैज मूव्ड अराउंड 22% मूव दे दिया बैंक निफ्टी विद इन अराउंड 21% 3 9% ट्यूसडे को बैंक निफ्टी कैसा बिहेव कर सकता है, क्या इसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस है इमीडिएट, और कैसे हम ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, इसका एक पूरा ओवरव्यू लेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखेंगे बैंक निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम में, ये जो इसका लाइफ टाइम हाई है, ये इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस होगा। लाइफ टाइम प्राइम इमीडिएट 41,820 के अराउंड इसका ये आपका एक रेजिस्टेंस होगा बैंक निफ्टी का। ठीक है, ये आपका और इसका इसका ये भी ये जो आपका देख रहे हैं ये पोर्शन भी एक रेजिस्टेंस होगा, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं, सॉरी यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्केट, अगर ये मार्केट को यूज़ करता हूँ तो यहाँ से मार्केट आपका एक डाउन ट्रेंड में गिरा था। यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्केट एक रेड कैंडल फॉर्मेशन हुआ, मार्केट यहाँ से आपका एक डाउन ट्रेंड में चला गया। डाउन ट्रेंड देखिए, ठीक है, तो ये भी ये जोन बेसिकली आपका एक रेजिस्टेंस जोन हो जाएगा फॉर द बैंक निफ्टी फॉर अपकमिंग डेज। तो ये हो गया आपका लॉन्ग टर्म में। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैं अगर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँ, ठीक है, यहाँ पर मैं अगर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी ने क्या किया। आप देख सकते हैं यहाँ पर मार्केट यहाँ से रिजेक्शन हुआ, फिर इसको तोड़ने की कोशिश कर, ये रेड कैंडल से इसको रिजेक्शन मिला, फिर लेकिन यहाँ पर मार्केट में इसको ब्रेक कर दिया। ठीक है, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये है आपका, यहाँ पर आपका ब्रेकआउट मिला। ठीक है, ब्रेकआउट, और ये जो कैंडल आप देख रहे हैं यहाँ पर बैंक निफ्टी में रिटेस्ट भी कर लिया। ठीक है, यहाँ पर बैंक निफ्टी में रिटेस्ट भी कर लिया, तो बैंक निफ्टी आपका डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट दिया है, आप बोल सकते हैं। ठीक है, ये है आपका डब्ल्यू पैटर्न, ये है आपका डब्ल्यू पैटर्न, और यहाँ से रिटेस्ट देख के बैंक निफ्टी आप अभी इस राह पे चलो। तो नेक्स्ट इमीडिएट इसका रेजिस्टेंस जो होगा ये 41,800 के करीब आएगा। ठीक है, टेक्निकल एनालिसिस यही बोल रहे हैं। तो हम अगर शॉर्टर टाइम फ्रेम में जाएंगे, अगर 15 मिनट्स में हम स्विच करेंगे, इसको डिलीट कर देते हैं। ठीक है, तो देखेंगे बैंक निफ्टी क्या कर रहा है। यहाँ पर ये बैंक निफ्टी बेसिकली एक रेंज में ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, बेसिकली ये जो रेंज है, ये रेंज में एक छोटा सा रेंज है बैंक निफ्टी, बेसिकली आप लोग गेस कर सकते हैं। एक बार मूव आने का बाकी है बैंक निफ्टी, क्योंकि जब एक इसको प्राइस स्क्वीजिंग ऑफ द प्राइस भी बोलते हैं, जब प्राइस में एक बड़ा मूव आना होता है तो बेसिकली प्राइस एक रेंज में स्क्वीज हो जाता है, उसके बाद ये रेंज का इधर साइड में आपका ब्रेकआउट होगा। इस साइड में भी आपका ब्रेकआउट हो सकता है, इस साइड में भी ब्रेकआउट होकर रिटेस्ट लेके यहाँ पर से जा सकते हैं, और इधर या अगर लो ब्रेक हुआ तो इस साइड में ऐसे डाउनफॉल भी बैंक निफ्टी आ सकता है। इधर में फिर से आपका बाउंस लेके
या फिर इसी रेंज से कोई बाउंस करके फिर एक आदमी कर सकता है 1050। ठीक है, तो हम देखेंगे कि हम ट्यूजडे को कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो सिंपल सा ट्रेड होगा हमारा, कोई ज़्यादा ऑपरेशंस वगैरह नहीं होगा यहाँ पर। अगर बैंक निफ्टी ये जो हाई है, ये रेक्टेंगुलर जो आप देख रहे हैं बॉक्स, इसका हाई अगर ब्रेक करता है बैंक निफ्टी, इसका हाई अगर बैंक निफ्टी ब्रेक करता है और हमको अगर रिटेस्ट मिलता है तो हम ये रिटेस्ट पे, ठीक है, हम ये रिटेस्ट में, सॉरी, ये अगर हाई ब्रेक होता है और इधर हमको रिटेस्ट मिलता है तो हम इधर में एक सिंपल सा ट्रेड इनिशिएट करेंगे। ठीक है, लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट करेंगे यहाँ से और हमारा टारगेट होगा ये। ठीक है, हमारा टारगेट होगा और हमारा स्टॉप लॉस होगा ये, तो सुन लो, यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो बेसिकली हमको 2:1 का ऑलमोस्ट मिल जाएगा। ठीक है, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो हमारा 2:1 हो जाएगा। और बैंक निफ्टी अगर ये जो आप लाइन देख रहे हैं, ये जो लाइन देख रहे हैं, इसका अगर ये हमारा हो जाएगा, इमीडिएट सपोर्ट हो जाएगा। इसको अगर बैंक निफ्टी ब्रेक करेगा, मार्केट अगर इस प्राइस को आपका ब्रेक करेगा, ठीक है, मार्केट मान लीजिए इधर ने ब्रेक किया प्राइस और हमको एक रिटेस्ट मिलेगा, क्योंकि हमको रिटेस्ट में एंट्री लेना ज़्यादा सेफ है, क्योंकि वहाँ पर रिस्क टू रिवॉर्ड आपका ज़्यादा होता है। मैं बार बार आपको एम्फोसाइज कर रहा हूँ कि आप रिटेस्ट में एंट्री लेने का कोशिश ज़्यादा कीजिए, आपको मौका मिलेगा। हाँ, प्राइस ऐसा नहीं है, देखिए इधर में मार्केट चला गया, बहुत सारे लोग इधर में फंस गया होगा, लेकिन प्राइस फिक्स इधर में टेस्ट करने को आया। आप अगर यहाँ पर एंट्री लेते तो आपका ये छोटा सा स्टॉप लॉस लेके ये पूरा आप राइड कर सकते हैं। ठीक है, तो इधर में भी आप कोशिश कीजिएगा, मार्केट अगर मान लीजिए ट्यूजडे को इधर में भी ओपन होता है तो एक बार मार्केट कोशिश करेगा इसका जो रेजिस्टेंस है वहाँ पर जाने का। वहाँ पर आप अगर एंट्री लेते हैं तो आपका देखिए आपका क्या हो जाएगा, आपका ये जो जो मैं इसको थोड़ा डिलीट करना, मैं इसको रिमूव करा, ये आपका इमीडिएट टारगेट, फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट यहाँ पर एक सपोर्ट लेने का कोशिश करेगा। ठीक है, ये तो गैप फिल करेगा ही मार्केट, क्योंकि मार्केट हमेशा अपना गैप फिल करता है, इसको गैप थ्योरी बोलते हैं। उसके बाद ये जोन जो है ये आपका सपोर्ट जोन हो जाएगा। ठीक है, ये आपका सपोर्ट जोन हो जाएगा। तो आप अगर यहाँ पर भी एंट्री लेते हैं तो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड देखिए, यहाँ पर आप अगर एंट्री लेते हैं तो ये पूरा आप राइड कर सकते हैं। आप इस स्विंग हाई का थोड़ा ऊपर में स्टॉप लॉस रख लीजिए, आपका रिस्क टू रिवॉर्ड ऑलमोस्ट 2:1 हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखिए कितना आपको इंटरडे में भी, ये 15 मिनट्स चार्ट है, यहाँ पर देखिए 15 मिनट्स में भी आप 2:1 का रिस्क टू रिवॉर्ड कैसे लाभ कर सकते हैं। मैं आपको ऊपर का ट्रेड भी दिखा दिया, ऊपर का ट्रेड में यहाँ पर अगर मार्केट ओपन होता है हाँ, तो यहाँ पर रिटेस्ट करने से यहाँ पर एंट्री लीजिए, यहाँ पर एक छोटा सा स्टॉप लॉस आप ये स्विंग लो का नीचे भी रख सकते हैं, यहाँ पर करके ये राइट एंजॉय कीजिए। और इधर में अगर मार्केट किसी जगह ओपन हुआ तो ये आप रिटेस्ट का वेट कीजिए, मार्केट जब रिटेस्ट करके फिर एक रेड कैंडल ऐसा बनेगा, ऐसा एक रेड कैंडल बनेगा, तो ये रेड कैंडल का क्लोजिंग पे, हमेशा कैंडल का क्लोजिंग पे आप एंट्री लेने का कोशिश कीजिए। बिकॉज कैंडल का क्लोजिंग नहीं मिलने से हमको कन्फर्मेशन ट्रेड नहीं मिलता, भले आपको प्रॉफिट थोड़ा कम मिलेगा, बट बहुत बार ऐसा हुआ है कि जैसे ये मान लीजिए कैंडल का ये बुल्स, ये जो बियर है आपका नीचे लाने का कोशिश किया, बट ये बुल्स क्या किया, मार्केट को ऊपर खींच गया। फिर से ये यहाँ पर आप अगर कैंडल का क्लोजिंग के बिना ट्रेड लेते हैं तो आप ट्रैप हो जाते हैं। आपको लगा होगा कि मार्केट डाउनफॉल होगा, लेकिन यहाँ से मार्केट एक आप मूव दिखा दी, तो यहाँ से भी आप एक रेड कैंडल का क्लोजिंग पे एंट्री कीजिए, आपको ये पूरा राइड आपको मिल जाएगा। ठीक है, और ऑलमोस्ट 2:1 का आपका रिस्क टू रिवॉर्ड हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा बैंक निफ्टी का स्मॉल और लंबे टाइम फ्रेम में दोनों में आपका एनालिसिस हो गया। तो ये हमारा ये जो आप रेजिस्टेंस देख रहे हैं, हमारा लॉन्ग टाइम फ्रेम में एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड एज आई अर्लियर सेड, ए वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू यू एंड योर फैमिली। होप आपका इंडिपेंडेंस डे बहुत अच्छा जाए, आपका और आपका फैमिली का भी। सो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपका लाइक एंड सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ और कंटेंट क्रिएटर को आपका लाइक और सब्सक्राइब ही आपका प्यार देने के लिए सफिशिएंट है। तो थैंक यू एंड सी यू अगेन।